देश भर में इस समय कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है और उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत वैक्सीनेशन का दौर लगातार जारी है। जनपद जालौन में भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, सरकार की सराहना कर रहे हैं। जिला मुख्यालय उरई के कई टीकाकरण केंद्रों पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वैक्सीन लगवाई है, समाज के लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। इस मौके पर डीएम प्रियंका निरंजन ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को गुलाब भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया है। देश ये लेंगे कि ये वैक्सीन में कहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा है और कोरोना को मिटाने के लिए हम सभी धर्म गुरुओं ने ये कदम उठाया है और सारे लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि सारे लोग वैक्सीन लगवा करके और आज डीएम साहब के नेतृत्व में सदारत में हम सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई और मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। सारे धर्म गुरुओं ने, उरई शहर के इमामों ने अपना जो है वैक्सीन लगवा कर सारी लोगों को संदेश दिया। अच्छा, कुछ कैसा लग रहा है अभी आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी के साथ जो है वैक्सीन लगी है, न कोई दिक्कत है न कोई परेशानी। देखिए, आप सभी देख रहे हैं कि जनपद में और प्रदेश में कोरोना के पेशेंट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे सामने दोहरी चुनौती है कि एक तरफ लोगों को कोरोना से इन्फेक्टेड होने से बचाएं और दूसरा जो लोग हैं उनका अधिक से अधिक टीकाकरण कराएं। इसी कड़ी में जो हमारे प्रदेश में टीका उत्सव चल रहा है 11 से 14 तारीख तक, उसमें विभिन्न समूहों से, जैसे कि हमने शिक्षकों से भी टीकाकरण करवाने के लिए गुजारिश की, बैंकर्स को भी बुलाया, इसी कड़ी में हमने धर्म गुरुओं को भी आज टीकाकरण के लिए बुलाया और हमारे जनपद के विभिन्न सम्माननीय धर्म गुरुओं ने अपना आज टीका लगाया है। आप सभी जाएंगे अपने क्षेत्र में और वहाँ भी लोगों से गुजारिश करेंगे कि सभी लोग अधिक से अधिक जाकर 45 वर्ष से अधिक के लोग टीकाकरण करवाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नामांकन को लेकर चुनाव आयोग ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश जारी किया, लेकिन जालौन में नामांकन से पहले जिला मुख्यालय उरई से लेकर गांव तक नामांकन के दौरान लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के नजर आए। जनपद में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिले में एक्टिव केसों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी है। गाइडलाइन के अनुसार नामांकन केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोरोना का खतरा बढ़ने की संभावना जिसके कारण बढ़ गई है।